हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GN एजुकेशन सर्विसेज। राइट, आज हम ग्रेड 8 राइट क्वाड्रिलेटरल्स राइट शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बराबर, सबसे पहले शुरू करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। राइट, क्वाड इसमें से क्वाड का मतलब होता है फोर साइड्स, फोर क्वाड यानी फोर। बराबर, यानी चार साइड वाला एक फिगर राइट, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कोई भी एक चार साइड वाला फिगर बना देते हैं, जैसे बनाना हो वैसे, वह बराबर ये एक क्वाड्रिलेटरल है। राइट, इसको नाम दे सकते हैं कोई भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोई भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट। राइट, कैपिटल में चार है, चार साइड है, इसीलिए चार इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आएंगे। हम अभी ले लेते हैं ए बी सी और डी। बराबर, ए बी सी और डी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए। राइट, बी, ये सी और ये डी, ए बी सी और डी। राइट, नाम देने के टाइम पे भी ध्यान देने का, सर्कल बनना चाहिए। बराबर, जैसे स्टार्ट हुआ है ए से, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, सर्कल बना। बराबर, नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मिटा देते हैं नाम भी। बराबर, राइट, सपोज मैं स्टार्ट करूं ए से, या ए, फिर ये बी, ये सी और ये डी। बराबर, अब मैं जॉइन करूं तो सर्कल बनने से रहा। बराबर, ए बी सी या डी या जेड बना। बराबर, तो नाम देने के टाइम पे ध्यान देने का, बराबर ध्यान देने का के राइट सर्कल बनना चाहिए। राइट, अलग अलग तरीके से नाम दिए जा सकते हैं, सिर्फ सर्कल बनना चाहिए। जैसे यहाँ से ये मैं हटा दूँ नाम सारे। बराबर, एक और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बी भी कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ दो तो यहाँ, वहाँ दो तो वहाँ, बी। बराबर, ये सी और ये डी, सर्कल बना ए बी सी और डी। बराबर, चाहूँ तो मैं ए कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बराबर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ए, ए या बी वा सी या और डी, यहाँ किसी भी तरीके से नाम दिया जा सकता है। बराबर, लेकिन वो चार इंग्लिश अल्फ़ाबेट होने चाहिए। बराबर, तो बार बार मैं ये नहीं लिखूँगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसा नहीं होगा। बराबर, इसका सिंबल है, इसका सिंबल है। राइट, ये सिंबल है चार साइड वाला एक फिगर क्वाड्रिलेटरल। इधर मैं नाम लिखूंगा ए बी सी डी, ए बी सी और डी। बराबर, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, इसको प्रोनाउंस करने का क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, ए बी सी डी। बराबर, तो ये सिंबल हुआ ए बी सी डी, चार साइड वाला क्लोज फिगर, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। बराबर, क्वाड्रिलेटरल। बराबर, अब जैसे सेम मैं क्वाड्रिलेटरल जैसे बताया कि कोई भी चार साइड वाला फिगर
उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, बराबर। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, 1 2 3 और ये 4, राइट। नाम दे देंगे ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, सर्कल बना। हाँ, नॉर्मली स्टार्ट करते हैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से, ए नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बराबर। लिखेंगे कैसे इसको नाम, ये है राइट क्वाड्रिलेटरल का सिंबल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बराबर। कुल मिला के राइट इसके 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 2 डायगनल्स, बराबर। टोटल 10 पार्ट्स होते हैं, कितने टोटल 10 पार्ट्स। नाम लिख देता हूँ मैं पार्ट्स के, एक है 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 2 डायगनल्स, बराबर। 4 साइड, 4 एंगल और 2 डायगनल्स। अब डायगनल्स जो है वो तो अलग ही हिसाब है, बराबर। सबसे पहले मैं 4 साइड्स लिख देता हूँ, एक है साइड ए बी, एक है साइड ए बी, राइट। लिख देते हैं नाम ए बी, राइट, क्योंकि दोनों तरफ इसमें पॉइंट है, तो ये हुई लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल ऐसा ही होता है लाइन सेगमेंट में, बराबर। एक है लाइन सेगमेंट ए बी, ये एक साइड हुई, बराबर। और कौन सी है, ये एक है बी से लेके सी, बराबर राइट। एक है सी से लेके डी, यानी सी डी, ये भी एक लाइन सेगमेंट हुई, बराबर। और एक हुई ए डी, ए से लेके डी, ये 4 साइड्स हुई, बराबर। साइड्स के नाम भी राइट, ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो, ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, बराबर। साइड बी ए या साइड ए बी, एक ही बात है। इसमें से बी सी राइट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइड सी बी, बराबर। तो ये हुई 4 साइड्स, ये हुई 4 साइड्स, और क्या है 4 एंगल, राइट। मिटा देता हूँ राइट, पॉज करके थोड़ा समझ लेना राइट। ये मिटा देंगे, ये भी मिटाएंगे, ये भी मिटाएंगे और ये भी मिटा देंगे। साइड्स के नाम भी मिटा देता हूँ। अब आएंगे एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम भी मिटा देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ से हो गई है 4 साइड्स, बराबर। अब है 4 एंगल, एंगल होता है ये, बराबर। कौन सा एंगल हुआ, एंगल ए। इसको दो तरीके से नाम दे सकते हैं, एक है एंगल ए, एक है एंगल ए, एक है एंगल बी, ये एंगल का साइन है एंगल बी, बराबर। ये है एंगल सी और एक है एंगल डी, बराबर। ये तो शॉर्ट नेम हुए,
ये तो शॉर्ट नेम हुआ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चार एंगल, बराबर। लेकिन एंगल को नाम वैसे तो ऐसे नहीं देना चाहिए, ऐसे दे देते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, राइट। मिटा देता हूँ इसे, ये शॉर्ट नेम्स हुए, यहाँ से मैं ये चार एंगल भी मिटा देता हूँ, हो गए हैं, बराबर, राइट। एक और, तीन तीन एंगल जो है वो दो रे बना के ज्वाइन होता है, बराबर। इस केस में दो लाइन सेगमेंट है, जैसे राइट, ये जो एंगल ए है उसको मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए डी, तो ये वाला एंगल हुआ, जो बीच वाला पॉइंट है वो एंगल होगा, बराबर। तो एंगल ए को मैं नाम दे सकता हूँ एंगल बी ए सी, इसको मैं बी ए सी नहीं बी ए डी, बराबर, बी ए डी, यानी बीच में ए। एंगल बी को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इधर से एक पॉइंट और नीचे से एक पॉइंट, बी के इस तरफ ए है और इस तरफ सी है, बराबर। तो एंगल का नाम क्या होगा, सी ए सी बी ए सी बी ए, बराबर। एंगल सी को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, सी के एक तरफ है बी और एक तरफ है डी, तो एंगल हो जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी, बराबर। और एंगल डी को मैं नाम दे सकता हूँ, डी के एक तरफ ए है और एक तरफ सी है, तो नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी, बराबर। दो तरीके से एंगल्स का नाम दे सकते हैं, दो तरीके से एंगल्स का नाम दिया जा सकता है, राइट। या तो शॉर्ट में दे दो या तो ऐसे पूरे नाम दो, जो एंगल लिखना है उसमें एक तरफ जो दो पॉइंट्स है वो दोनों लिख दो आजू बाजू में, बीच में ये वाला एंगल आना चाहिए, ये वाला पॉइंट आना चाहिए, बराबर। तो अभी तक 8 पॉइंट देखे हैं, एक साइड है, चार साइड्स है, बराबर। चार साइड्स कौन सी, ए से लेके बी यानी ए बी, और ऊपर राइट लाइन सेगमेंट का सिंबल, राइट। एंगल्स है चार, राइट। नेक्स्ट है डायगोनल्स, राइट। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, पहले मैं मिटा देता हूँ, राइट, पॉज करके थोड़ा देख लेना। सेम क्वाड्रिलेटरल रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, टोटल 10 पार्ट्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, चार साइड्स, चार एंगल्स और दो डायगोनल्स, दो डायगोनल्स। अब डायगोनल्स देखते हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो जो अच्छा लगता है वो, मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, बराबर। ए से, ए के अलावा कितने पॉइंट्स है, तीन है, बी सी और डी, तीन है बी सी और डी, बराबर। ए से डी की तरफ तो एक लाइन सेगमेंट है, बराबर, ए से बी की तरफ भी एक लाइन सेगमेंट है, किस तरफ नहीं है, ए से सी के बीच में नहीं है, बराबर। ए के अलावा तीन पॉइंट है बी सी और डी, ए के अलावा तीन पॉइंट है बी सी और डी, बराबर। बी सी और डी, ए से बी की तरफ तो लाइन सेगमेंट पहले से ही है, वो साइड है हमारी, ए से लेके डी भी एक साइड है, लेकिन ए से लेके सी के बीच में कुछ भी नहीं है, ज्वाइन कर दो, राइट। तो एक डायगोनल हुआ, इसको डायगोनल बोलते हैं ए सी, बराबर, क्योंकि इसमें भी दोनों तरफ पॉइंट है, इसीलिए लाइन सेगमेंट ए सी,
बराबर, ये एक डायगोनल, मैंने कितने बोले थे, दो, राइट। फिर और कौन सा पॉइंट बचा, बी और डी बचे हैं, बी और डी बचे हैं, हम लोग ले लेते हैं, जो तो दोनों में से जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं, राइट। पॉइंट बी के अलावा तीन पॉइंट्स बचे हैं, ए, डी और सी। बी के अलावा तीन पॉइंट्स बचे हैं, ए, डी और सी, बराबर। बी से ए की तरफ तो एक साइड है, बी से सी की तरफ भी एक साइड है, लेकिन बी से डी की तरफ कुछ भी नहीं है, बराबर। तो इसको भी ज्वाइन कर दो, ये हुआ दूसरा डायगनल, बराबर, ये हुआ दूसरा डायगनल, राइट, बी डी, राइट। ये दो डायगनल्स, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है, राइट। वहाँ से जैसे मैंने पहले ए पकड़ा था, ए से ए के अलावा तीन पॉइंट्स है, राइट, बी सी और डी, तीन पॉइंट्स है, बी सी और डी। ए से बी एक साइड है, ए से डी भी एक साइड है, लेकिन ए से सी कुछ भी नहीं है, वो ज्वाइन कर दिया, वो हुआ एक डायगनल। ऐसे ही दूसरा पॉइंट पकड़ो, बराबर। एक डायगनल, एक मैं क्वाड्रिलेटरल का नाम दे रहा हूँ, राइट। ट्राई करेंगे एक और पार्ट्स इसके लिखने के, ले लेते हैं। मैं नाम दे देता हूँ सिर्फ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल, बराबर। बना देते हैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, छोटा सा बनाएंगे इस बार, क्योंकि लिखना बहुत कुछ है, बराबर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी, तुम्हारी जहाँ से इच्छा है वहाँ से स्टार्ट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पी यहाँ दे देता हूँ, क्यू ये दे देता हूँ, आर और ये दे देता हूँ एस। तो सर्कल बना, पी क्यू आर एस, बराबर। इसके पार्ट्स लिखने हैं, राइट, कितने पार्ट्स, टोटल 10 पार्ट्स, एक है, एक है, राइट, चार साइड्स, चार साइड्स, चार एंगल्स और दो डायगनल्स। सबसे पहले साइड्स, राइट, बताओ बाहर की साइड, पी से कौन सी दो साइड है, पी से एक है एस तक, तो एक साइड होगी पी एस, लाइन सेगमेंट पी एस, बराबर। पी से क्यू भी है, वो भी एक साइड है, तो एक लिख दो, साइड पे लिख देता हूँ पी क्यू, बराबर। फिर क्यू पकड़ो, क्यू से पी की तरफ एक साइड है, वो हमने नाम लिख दिया है, क्यू से लेके आर एक है, तो एक साइड हुई क्यू आर, बराबर। और एक और है आर, आर से लेके एस और आर से लेके क्यू, क्यू क्यू आर तो हो चुका है, इसलिए एक बचेगा एस आर, बराबर। ये हुई चार साइड्स, अब चार एंगल्स। एंगल्स जैसे मैंने बोला कि दो तरीके से एंगल्स के नाम दे सकते हैं, या तो शॉर्ट में या तो पूरा, राइट, हम दोनों दे देंगे आमने सामने। एक ले लो एंगल पी, यानी ये, राइट, एंगल क्यू, राइट, ये एंगल आर और एंगल एस, राइट। पूरा नाम देना हो तो कैसे, बताया था, ये तो शॉर्ट में नेम दिए हैं चारों, राइट, एंगल पी पहले,
पी के एक तरफ है एस और एक तरफ है क्यू, बराबर। तो एंगल हो जाएगा एस पी क्यू, ये सेम हुआ एंगल पी की तरह से, जैसे नाम देना हो वैसे, बराबर। एंगल क्यू को कैसे नाम दोगे, क्यू के एक तरफ है आर एक तरफ है पी, तो एंगल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, ऐसे ही बाकी दोनों खुद दे देना, बराबर। टेन पार्ट्स है, एक है राइट, एक है राइट, चार साइड्स चार एंगल्स, चार साइड्स चार एंगल्स, अब दो डायगनल्स। अब डायगनल्स कैसे पहचानोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ से, राइट। कौन सा लेना है, मैं ले लेता हूँ एस, बराबर। एस के अलावा तीन पॉइंट्स है, पी क्यू और आर, तीन साइड से तीन पॉइंट है पी क्यू और आर, राइट। एस से लेके पी की तरफ एक साइड है, एस से लेके आर की तरफ भी एक साइड है, लेकिन एस से लेके क्यू की तरफ कुछ भी नहीं है, वो ज्वाइन कर दो। अरे यार गलत हो गया, बराबर। तो एक डायगनल हुआ, एक हुआ डायगनल एस क्यू, लाइन सेगमेंट एस क्यू। एक और पॉइंट ले लो पी, पी के अलावा तीन साइड तीन पॉइंट्स है, पी के अलावा तीन पॉइंट्स है, एक है एस एक है आर और एक है क्यू। पी से एस की तरफ भी कुछ है, पी की क्यू की तरफ भी कुछ है, एस पी से लेके आर के बीच में कुछ भी नहीं है, कर दो ज्वाइन। ये हो गया दूसरा डायगनल, बराबर। राइट, तो डायगनल्स पहचानने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, राइट। उसके अलावा जो तीन पॉइंट्स बचे वहाँ से जहाँ से साइड नहीं निकलती है वो ज्वाइन कर दो, वो होगा डायगनल, राइट। एक मैं क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देता हूँ, राइट। ट्राई करना ऑल द पॉइंट्स टू राइट ऑल द पॉइंट्स, राइट, ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉइंट्स। नाम दे देता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, बराबर। ट्राई करना, राइट। आई होप समझ में आया होगा।